हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं अकेले नहीं हूँ। टुडे मेरे साथ है मेरी सिस्टर जिनका नाम है श्वेता सोनी। एक्चुअली आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे बिकॉज मैंने एक ना इनकी सक्सेस स्टोरी बताई थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया था, उसकी स्टोरी बताई थी। उसका वीडियो का लिंक मैंने आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके चेक करना। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एंड इंस्पायरिंग भी है और आप कुछ सीख भी सकते हो उसमें से। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात, ये भी मेरी तरह यूट्यूबर है, एक व्लॉगर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फन वीडियोस बनाते हैं। और साथ में हम दोनों ने मिलके 3-4 फनी से वीडियो शूट करे जहाँ पे आपको मेरे बारे में भी काफी चीजें इंटरेस्टिंग जाननी मिलेगी जो मैं यहाँ शेयर नहीं करती। तो प्लीज गो एंड चेक दोज वीडियोज आउट, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट एंड एंजॉय दोज वीडियोज। आते हैं मेन टॉपिक पे। आज हम लोग एक्चुअली लड़ाई करने वाले हैं और लड़ाई का टॉपिक ये है कि मेरी सिस्टर कह रही है कि जॉब इज मोर कन्वीनियंट, मोर बेटर इन एनी फॉर्म कंपेयर्ड टू बिजनेस। और मैं इनको काउंटर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका रॉ व्यू क्या है, विदाउट नोइंग कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसके पहले आपको क्या लगता है कि जॉब या बिजनेस दोनों में से बेटर क्या है, यू कैन गो एंड कॉमेंट दैट डाउन। हाँ तो बताओ, क्यों जॉब आपको लगता है बेटर है कम्पेयर टू बिजनेस? आई एम नॉट सेइंग जॉब इज बेटर कम्पेयर टू बिजनेस, आई एम सेइंग हर पर्सन ही इंडिविजुअल एक चीज है ना, हर इंसान के अंदर से आती है नहीं बाबा जॉब ही करनी, नहीं बाबा बिजनेस ही करना है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से जॉब बेस्ट है। एक तो सबसे पहली चीज, अपना टाइम फिक्स होता है, इतने बजे से इतने बजे जाना है, उसके अलावा सोचना ही नहीं है अगर हम जॉब में है तो। पॉइंट, आपको पता है सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग, दे आर लाइक, उनका कोई जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का दे डोंट नो, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, दे डू नॉट नो। हमारा तो नहीं है बाबा ऐसा, तो मुझे पता नहीं, ठीक है। सेकंड चीज कि एक तो अपना डे वन से हमारी जो अर्निंग है वो फिक्स होती है, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अर्निंग के लिए, एवरी ईयर इंक्रीमेंट फिक्स होता है, ये तो है ही ना। बिजनेस में हमें साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, पता नहीं, 6 महीने भी लग सकते हैं बिजनेस को सेट करने के लिए, तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पहले दिन से हम कमाने लगते हैं, पैसा आने लगता है। एक्चुअली ना लोग जॉब को पसंद ये एक मेन रीजन की वजह से ही करते हैं कि सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के महीने के हर 30 डेट को पैसा आने वाला है बैंक अकाउंट में। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जॉब इज नॉट रॉन्ग, बट वो ऐसी चीज है जिसमें स्टार्टिंग में पैसा है, बाद में स्ट्रगल है। बिजनेस में ऐसा है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है बट बाद में ढेर सारा पैसा है। हाँ, ऐसा सब बोलते हैं बट मुझे ऐसे लगता है, मुझे जॉब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं वहाँ एज अ बॉस काम करती हूँ, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, और मेरे को मेरी जॉब बहुत पसंद है। एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है जब इतना सारा मिल रहा है तो हेडेक क्यों लेना है बिजनेस का, बिजनेस हम अकेले नहीं कर सकते, हमें पूरी टीम चाहिए, काफी सारे लोग हायर करने पड़ेंगे। यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं हम, अकेले उठ के चले जाएंगे, जाके नौकरी करके घर पे आ जाएंगे, ये पूरा एक टीम हमको रखने की जरूरत नहीं है। ओके दैट्स राइट, कि जॉब में आप ऐसे ही उठ के चले जाओ वैसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आई फील कि हमें हमारे काम में, बिजनेस में लीडर बनने का मौका मिलता है। लाइक ओके, आपकी ऐसी जॉब है कि जहाँ पे आप प्रिंसिपल हो, बट मोस्टली 100 में से 99 लोग नौकर ही होते हैं नौकरी में, उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अथॉरिटीज नहीं होती है। सो अपना, मैं मेरा बेसिक बताती हूँ कि आई एम इन अ वेरी गुड जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब, बट स्टिल आई फील मन से कि बिजनेस ज्यादा बेटर है, बट आई एम ऑल्सो इन अ वेरी गुड जॉब, बट देयर ऑल्सो मुझे अपनापन नहीं लगता वो काम से। सो आई फील अगर आपको जॉब में अपनापन लगता हो तो दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग, बट बिजनेस मेक्स मी फील मोर कनेक्टेड क्योंकि ये मेरी चीज है। आई गेस कि इसमें ये होता है, जैसे मैंने बताया कि हर पर्सन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ये कि आपके अंदर से आ रहा है नई जॉब करनी है, नई बिजनेस करना है। मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि दूसरी स्कूल में तुम इतनी स्ट्रगल कर रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो दूसरे स्कूल में, इतनी मेहनत अपनी खुद की स्कूल में करोगी तो यू विल रीच समवेयर, हम स्कूल ओपन करते खुद का। ऐसा स्टेटमेंट सुनते ही सबसे पहले मेरे मुंह से निकला, नहीं बाबा नहीं, इतना हेडेक किसको लेना है, मैं तो इतने बजे जाऊंगी, इतने बजे आऊंगी, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले चीज, जितना बोला है उतना ही करना है, अपना दिमाग चलाना ही नहीं पड़ता है अगर हम जॉब में है तो।
हम क्यों चलाएंगे अपना माइंड, अपना बिजनेस होगा तो हम दिमाग चलाएंगे। और पता है चैन की नींद नहीं ले सकते, अपना बिजनेस होता है ना, तो सोते टाइम भी बोला, सोते टाइम भी आप लोग यू शुड बी अ बॉस दीदी, यू शुड बी अ बॉस, यू शुड बी डूइंग अ बिजनेस, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। खाते टाइम भी हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, बिजनेस को ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसा सब चलता है। मैं मेरी नौकरी की जगह पे चैन से खाना खाती हूँ, जॉब में भी शांति से खाना, लंच टाइम में भी कुछ नहीं करूंगी, बिजनेस वाला लंच भी बेचारा टाइम से नहीं कर पाता। अब मैं बोलू, आपने ही मेरा पॉइंट रख दिया जो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है अपना क्या दिमाग चलाना। मैं वही कह रही हूँ, वो अपनापन ही नहीं होता जॉब में, इतना पैसा दिया इतने का काम करना है, बट अगर हमें कुछ मतलब बहुत एम्बिशियस है, हमें कुछ बनना है, तो अगर वैसी थिंकिंग होगी ना कि ये इतना पैसे में इतना काम करना है, तो हम हमेशा वो 50-60 हज़ार के लाख के सर्कल में ही रह जाएंगे, ग्रोथ नहीं आएगा। हाँ, ग्रोथ है बिजनेस में, पता है कि 5 साल बाद में नौकरी वाला कहाँ पहुंचा होता है, बिजनेस वाला कहाँ पहुंचा होता है, हाथ दिख रहे हाँ कहाँ पहुंचा होता है, लेकिन शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं होता। ये है कि अगर जॉब ऐसी है जहाँ पे हेडेक है, इतना वर्कलोड है, उतने के हिसाब से हमें पैसे नहीं लगते, तो एक बात अलग है। बट मैं एज अ पर्सन, मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है कि मुझे लगता है अच्छा 2 बज के घर जाने का टाइम हो गया, वो मालूम नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स कि मुझे तो, मैं तो जॉब के लिए ही बनी हुई हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी बोले चाहे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने जो बताया ना कि 2 बज गए देखा क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला है टेस्ट करके, जिसमें इज दिस द राइट जॉब फॉर यू, तो उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप जॉब में हो तो आप बार बार टाइम की तरफ देखते हो कि नहीं, उससे पता चलता है कि वेदर यू आर वेटिंग फॉर द टाइम टू पास या फिर आप खुश हो, वरना हम नॉर्मली जहाँ खुश होते हैं वहां टाइम नहीं देखते। सो प्लीज वो वीडियो चेकआउट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है, मजा आएगी आपको। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक और चीज मुझे ये लगता है, जॉब में हमें डेली अप्रिसिएशन मिलती है, हम पर डे कुछ नया काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हमें हमारे बॉस से अप्रिसिएशन मिलती है, हमारे सबॉर्डिनेट से भी हमें अप्रिसिएशन मिलती है। बिजनेस में हमें वेट करना पड़ता है, लेट वो डाउन करने वाले लोग ज्यादा होते हैं बिजनेस में, अप्रिशिएट करने वाले लोग कम होते हैं। जब आपका बिजनेस कोई लेवल पे पहुंचता है ना, तब जाके लोग बोलते हैं हाँ अच्छा किया है, वेल डन वेल डन। उधर तक पहुंचने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, और इतने दिन तक अगर हमें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, हम खुद अंदर से डिमोट फील करने लग जाते हैं, कुछ करा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी चीजें आने लगती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर करना स्टार्ट किया है, एंड आपको भी ऐसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी से, एंड यू फील के काश एटलीस्ट कोई हो जो समझे यार मेरे अंदर वो टैलेंट है, एंड आई कैन शोकेस। प्लीज कॉमेंट डाउन व्हाट डू यू फील एंड आप किसका सपोर्ट चाहते हो। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, आई जस्ट बिलीव दैट इज ट्रू, दैट कि अगर स्ट्रगल है बिगनिंग में, लोग कोई सपोर्ट नहीं करता, ये मैं भी बोल रही हूँ ना, आई एम डूइंग दिस यूट्यूब, मेनी पीपल कम टू मी एंड से क्या है चालू कर दिया, ज्ञान देना ये वो, अच्छी खासी सीएस है तू, मैं दोनों हूँ, आई डू बोथ, इट्स लाइक दैट। सो लोग गिराने वाले रहेंगे ही, इट्स लाइक हम कितने स्ट्रांग है और हम उठ पाए, बट इन द लॉन्ग रन ऐसा शायद बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसको कोप अप करके इतने स्ट्रांग होके कंटिन्यू कर पाए, कुछ अचीव कर पाए जो हम अचीव करना चाहते हैं। ये दोनों है, मैं तीनों करूंगी, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूं, मैं सीएसओ और मैं यूट्यूबर भी हूं, मैं तीनों। एंड शी इज अ होममेकर आल्सो, एक्चुअली ये बेस्ट है। हम मुझे पता है, चलो जॉब बिजनेस का डिस्कशन तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्यों कहते हैं कि ये ही कर, फैमिली ही मैनेज कर, या जॉब ही कर, या बिजनेस ही कर, व्हाई कैन नॉट आई डू एवरीथिंग। अगर कैलिबर है तो करो ना सारी चीज, अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वो कहते हैं ना, दो नाव में पाव रखोगे तो डूब जाओगे, वो वाली बात होती है, इसलिए लोग मना करते हैं। लेकिन अगर आप दो नाव में पाव रख के वो अच्छे से चला पा रहे हो, तो लोग खुद बोलने लग जाएंगे अच्छे से मैनेज हो रही है सब चीजें, तो कर लो। यस, अभी मैंने एक जन का इंटरव्यू किया था, एक जिम के ओनर थे, उनका भी मैंने वीडियो डाला है, आप देखना लास्ट। उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल सी बात कही थी कि चलो उन्होंने स्पेशली विमेन के लिए कहा, बट मैं तो जनरली ये मानती हूँ कि शी टोल्ड विमेन आर लाइक गॉडेस, दुर्गा का रूप है, शी हैज सो मेनी हैंड्स, तो हम सब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं यार। मतलब मैं डांस भी करना चाहती हूँ, मैं सीएस को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आई वांट टू डू दिस एज वेल, एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल थिंग्स करना चाहते हैं, मल्टीपल टैलेंट रखते हैं। तो आई थिंक जॉब बिजनेस ठीक है, यू शुड डू व्हाट यू लव, व्हाट यू थिंक अबाउट इट। वो बात सही है, अगर आपको मल्टीटास्किंग चेक करनी ना, तो चार चूल्हे वाले गैस पे चार देसी किचन में से भाई हम होम रेसिपी आइडिया
चारों पे चढ़ाओ, अगर एक भी चीज जल गई ना तो समझ लेना आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। चारों बराबर बन गई ना दैट मींस आप बने हो मल्टीटास्किंग के, करके देखना भी पता चल जाएगा। ठीक है, जोक्स अपार्ट, सो बेसिकली हमारा और कोई पॉइंट्स जो आप रखना चाहते हैं जॉब के फेवर में? एक क्या होता है, मुझे इजी गोइंग लाइफ लगती है जॉब के साथ में, हेडेक कम लगता है। अब क्या चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए या मेंटल पीस चाहिए? अगर आपको पैसा चाहिए तो बिजनेस में चले जाओ, मेंटल पीस शांति चाहिए तो जॉब में आ जाओ, कोई माथा पच्ची नहीं है, शांति से काम करो, अपने घर जाओ, अपना बैग उठा के ऑफिस आओ, बैग उठा के घर जाओ, कुछ हेडेक नहीं है, मजे आते हैं, प्रोवाइडेड आप वहां पे खुश हो ना, वो फर्स्ट प्री कंडीशन है, लेकिन उसके अलावा हेडेक नहीं है, जॉब कर लो। पर ऐसा है ना कि जॉब में हम टाइम बाउंड हो जाते हैं, 9 से 5 में काम करना है, मेरी इच्छा है मैं संडे को सुबह 11 बजे काम करूंगी, व्हाई नॉट, मेरी इच्छा है मैं आधी रात को 12 बजे मैं क्रिएटिव हूँ, मैं उसी टाइम बनाऊंगी जो मुझे बॉडी क्लॉक होती है, कुछ होता है बॉडी क्लॉक नाम की चीज होती है क्रिएटिव लोगों के लिए, यू नो AR रहमान, कपिल शर्मा, ये सब रात को ही काम करते हैं, हमारा क्रिएटिव इंस्टेंट ये स्पेशल, हम तो इंसान है, अच्छा कमेंट करके बताओ कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। सो हमें अरे नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होता है, मेरे 2 बच्चे मैं उनको भी बोलती सुबह उठ के पढ़ते, तेरे को भी बोलती थी ना सुबह पढ़ेंगे, हाँ। ये मुझे, हम दोनों ने साथ में सीएस किया, ये मुझे रात को लेके बैठाती थी, साथ में जागेंगे रात भर पढ़ाई करेंगे, और मुझे ऐसे होता था सुबह उठ के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद होता है। सो जॉब बिजनेस तो ठीक है, आई थिंक वुड हु ऑल थिंक माय सिस्टर शुड डू बिजनेस, शी इज सो बॉसी, कमेंट डाउन एंड टेल किसको लगता है शी इज अ ग्रेट बॉस, दैट इज बिकॉज आई एम इनटू सच जॉब जहां पे मेरा काम बॉस वाला है, आई एम वर्किंग एज प्रिंसिपल इन स्कूल इसलिए, बट अदरवाइज आई एम नॉट मेड फॉर बिजनेस, मेरे को अंदर से फील ही नहीं आता, मुझे ऑफर भी करते हैं ना मैडम हमारे साथ आ जाओ, अरे नहीं करना यार, नहीं करना, रिस्क ज्यादा लगता है ना, मुझे वर्कलोड ज्यादा लगता है, हेडेक ज्यादा लगता है, रिस्क क्या लेना देना, ठीक है ना थोड़े पैसे डूब गए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हेडेक हो जाएगा ये लगता है मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरे को इतनी देर ही काम करना है, इसके बाद मैं हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मैं मेरा बिजनेस से काम से कोई लेना, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मुझे इतनी देर भी बहुत खुश होके काम करना है, एंड अगर सो आई बेसिकली थिंक कि जॉब करो या बिजनेस करो अगर आप खुश हो ना, हर परसेप्शन विल चेंज आफ्टर हर मैरिज एंड व्हेन शी विल हैव हर बेबीज, डेफिनेटली वापस उस टाइम वीडियो बनाएगी और ये चेंज करके बोलेगी भैया जॉब में आ जाओ, जॉब में आ जाओ, एंड नो सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट जॉब, आई हैव नथिंग अगेंस्ट बिजनेस, आई जस्ट फील कि हमें जो पसंद है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि अगर मुझे कोई चीज पर्टिकुलर, अगर जॉब पसंद है तो चाहे बच्चा आ जाए उसका बाप आ जाए डू जॉब, अगर मुझे बिजनेस पसंद है तो कोई भी आ जाए आई विल जस्ट कंटिन्यू दैट, सो लेट्स टेक दिस एज अ चैलेंज कि व्हाट आई विल बी डूइंग आफ्टर सो मेनी इयर्स व्हेन आई विल बी हैविंग किड्स, बिकॉज आई मेरा गोल वही है, मैं खुश नहीं रहती तो मुझे नींद नहीं आती, प्रेशर में नींद आ जाएगी बट खुशी बिना नींद नहीं आती, हर काम में खुशी होनी चाहिए, ये वो होगी ना इंडिविजुअल वाली बात होगी कि आपको ये पसंद आ रहा है कि ये पसंद आ रहा है, ऐसे बहुत सारी औरतें भी है जो बिजनेस कर रही है, हाई लेवल बिजनेस कर रही है, होम मेकर भी, उसके बाद में भी वो ऐसे अच्छे से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम गृहणियां नौकरी के लिए बनी हुई है बिजनेस हम नहीं कर सकते, पर वो होता है ना, इट्स इंडिविजुअल काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट करेक्ट। सो मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा है कि जिसमें खुशी मिल रही है वो करो, जॉब हो या पैशन हो, बट आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है वो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका इंटरेस्ट किस में है, या आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम दोनों ने मिस कर दिए कि यार ये ज्यादा अच्छी चीज है जॉब में या ये ज्यादा अच्छी चीज है बिजनेस में, वो कमेंट करके बताओ तो हमें भी पता चले, एंड देन हम फिर से झगड़ने बैठेंगे तब तक और कोई टॉपिक है जिसपे आपको हमारे झगड़े देंगे डिबेट चाहिए तो कमेंट डाउन, वी विल ब्रिंग सम मोर ऑफ दैट, एंड तब तक आप प्लीज मेरी सिस्टर का ब्लॉगिंग चैनल चेकआउट करना, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैनल है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक, सब्सक्राइब करके जाना, रुको सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी शेयर भी, बाय।